तो उनके कंपनी का नाम स्पेस एक्स है, इसको अंतरिक्षों में लॉन्च करती है। तो स्पेस और आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता के मायने सिर्फ ऐसे नहीं होते कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो कोई एक कामयाब टीचर है, कोई एक कामयाब यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आईएएस है या आईपीएस है, तो कोई मेरे भाई अंबानी और अडानी है। कोई अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो कोई अपने क्षेत्र में अपने घर में एक बहुत बड़ा जो है व्यापारी है। तो अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग यहाँ पर मायने होते हैं कामयाबी के। लेकिन जितनी भी कामयाबी के एलन मस्क हो गए, आपने उनकी स्टोरी सुनी है, उन सब के स्टोरी में जो एक कॉमन फैक्टर मिलता है ना मेरे भाई, वो ये शब्द होता है कंसिस्टेंसी। रहा था एलन मस्क की छोटी सी कहानी, उनकी मैंने पढ़ी। उस कहानी में मैंने ये देखा कि एक बार एलन मस्क के साथ कहानी ऐसी आ गई थी, मतलब उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ गया था, ठीक है, कि उन्होंने अपना मतलब अगर आप उनके कंपनी के बारे में जानते हो तो उनके कंपनी का नाम स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स एक ऐसी एजेंसी है जिस तरीके से आपकी नासा हो गई, इसरो हो गई, ठीक है, जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो स्पेस एक्स उनकी खुद की पर्सनल एजेंसी है जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्षों में लॉन्च करती है। तो स्पेस एक्स को उन्होंने शुरू किया, स्पेस एक्स को बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर शुरू किया। पहली बार जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था वो फेल हो गया, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठे करके किसी भी तरीके से मुश्किल कामयाबी, मतलब मुश्किल तरीके से उन्होंने जो है अरेंजमेंट किया पैसों का, और उसके बाद भी उन्होंने एक तरीके रॉकेट लॉन्च किया तो वहाँ पर भी फेल हो गए। तीसरी बार भी वो बंदा हिम्मत नहीं हारा, और तीसरी बार के हालात ऐसे थे कि उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा, उन्हें अपना ऑफिस मतलब घर गिरवी रखकर बाकी कार वार बेच के सब कुछ छोड़ के उन्हें सिर्फ अपने आप को ऑफिस में शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ से जो पैसे आए उसको उन्होंने वापस स्पेस एक्स में लॉन्च किया, ठीक है, और उस पैसे को वहाँ लगाया। और तब तीसरी बार जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था तो वो मेरे भाई सक्सेसफुल रहा। और आज आपको भी पता है कि दुनिया के सबसे नंबर वन जो पैसे में जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है वो आपके एलन मस्क हैं, ठीक है। रिस्क तो किया उन्होंने, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिस्क ली बहुत बड़े लाइफ में, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी वो मेरे भाई क्या थी, कंसिस्टेंट, ठीक है।